मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट ने किया इनकार। कोर्ट ने कहा राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग। तेलंगाना में बीजेपी नेता कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। तेलंगाना बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। 2 पूर्व विधायक कांग्रेस में आने को तैयार। एमपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुझाव से बैठक में छाई चुप्पी। सिंधिया के सवाल पर कोर कमेटी ने नहीं दिया कोई जवाब। सीधी पेशाब कांड में आया नया मोड़। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित को 5 लाख की मदद घर बनाने के लिए भी दिए जाएंगे 1.5 लाख रुपए। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। पुरस्कार विवाद के बाद आज गीता प्रेस आएंगे पीएम मोदी। शिव महापुराण का नया संस्करण लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस के 4 नेता हाउस अरेस्ट। पंजाब सीएम की मैरिज एनिवर्सरी आज। पत्नी को लिखा खास मैसेज, हमारी फोटो देख लो, कहते हैं गुड लक। पत्नी ने दिया जवाब, भगवान से 2 ही चीजें दिन रात मांगती हूँ, एक उसका सिर पर हाथ, दूसरा तेरा साथ। रायपुर में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम ने कहा छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है कांग्रेस। गंगा जी की झूठी कसम खाकर 36 वादे किए, हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। बुलढाणा बस हादसे के दौरान नशे में था ड्राइवर। फॉरेंसिक जांच में हुआ खुलासा, एक्सीडेंट में 25 लोगों ने गवाई थी जान। गेट बंद होने से बाहर नहीं निकल पाए लोग। फ्री बस सर्विस के लिए आर्मी ने पहना बुरखा। धारवाड़ में बस स्टैंड पर बैठा था, कर्नाटक में केवल महिलाओं के लिए चल रही फ्री स्कीम। राजस्थान मध्य प्रदेश में 15 कलेक्टर एसपी के बीच शुरू हुआ मंथन। राज्यपाल मिश्र व पटेल का किया स्वागत। दोनों प्रदेशों की सीमाओं के मुद्दे पर हो रहा है मंथन। रोम के मिलान में सेवानिवृत्त गृह में आग लगने से 6 लोगों की गई जान, 80 से ज्यादा लोग हुए घायल। पुलिस टीम ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फिर हिली धरती। पाकिस्तान में 4.3 और इंडोनेशिया में 5.6 रही भूकंप की तीव्रता। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ईरान ने ओमान की खाड़ी में कमर्शियल जहाज किया जब्त। तेल की तस्करी की आशंका। नेवी ने पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर करने के बाद लिया एक्शन का फैसला। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 2 बसों में जोरदार टक्कर। टक्कर में 18 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने कहा कुछ लोगों की हड्डियों के टूटने और सिर गर्दन पर चोट लगने का संदेह। भारतीय दूतावास पर हुए हमले की अमेरिकी सांसदों ने की निंदा। कहा फ्री स्पीच का मतलब हिंसा भड़काने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं। सांसदों ने आपराधिक कृत्य के लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ट्विटर ने मेटा को लीगल एक्शन की दी धमकी। मस्क बोले कंपटीशन ठीक है पर चीटिंग नहीं। 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था मेटा की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स। महेंद्र सिंह धोनी आज मना रहे अपना 42वां जन्मदिन। धोनी ने साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा था अलविदा। धोनी भारत को 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले इकलौते कप्तान। भारत पाकिस्तान मैच पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने तोड़ी चुप्पी। कहा भारत में कहीं भी मैच हो हम तैयार हैं। वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म जवान की ट्रेलर लॉन्च से पहले नयनतारा का लुक व रिलीज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। इटली में अपनी बेगम करीना कपूर संग वेकेशन एंजॉय कर रहे सैफ अली खान। झील किनारे दोस्तों के साथ लंच डेट की तस्वीरें हुई वायरल।